रोड क्रॉस करना बहुत टफ है लखनऊ में। अभी मैं मुझे 15 से 20 मिनट लग गए, अब मैं जाके रोड क्रॉस की हूँ क्योंकि मुझे लेना है केक और डॉक्टर साहब का है बर्थडे कल है, तो नाइट में मैं उन्हें सरप्राइज दूँगी। तो वो कुछ काम के लिए से काम के सिलसिले में वो कहीं गए हैं, तो मेरे जा रही हूँ बेकरी में केक लेने। केक लेने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो मैंने केक ले लिया है और डॉक्टर साहब के लिए बुके ले लिया है। अभी मैं इसको रख देती हूँ अंदर डिक्की में। तो दो चीज़ें मैंने ले ली हैं, अब मेरे को लेना है बलून और डेकोरेशन का सामान, जो कि यहाँ मुझे लग नहीं रहा है कि मिलेगा, तो वो मैं लूँगी BBD से। और अभी मैं गाड़ी में बैठ के वेट करूँगी डॉक्टर साहब का, क्योंकि वो अभी अपने काम से लौटे नहीं हैं और उनको पता भी नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। तू दे चलो थोड़ा सा। हाँ, बलून वाले बच्चे आ गए, इनसे ही ले लेते। कितने का है बलून? 10 का 1 है। तुम्हारे पास कितने? रुको रुक 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 रुक, सबका लेंगे बाबू, सबका लेंगे। हाँ, किसके पास कितना कितना बलून है? दो आपके पास है, ठीक है। थोड़ा सा दूर हो आप लोग, थोड़ा सा दूर हो। हाँ, थोड़ा सा आप लोग को भी दिखा दूँ ना। अच्छा, आपके पास 6 है, आपके पास 2 है, आपके पास 7 और आपके पास 2 है। अच्छा ठीक है। सो गाइस, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने वो बलून नहीं लिया। उसके पीछे का रीज़न मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 4-5 बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे, और उनसे मैंने सोचा कि बेचारे कोई 2 कोई 4 कोई 6 कोई 7 लेके घूम रहा है, मैं ले लूँ उनसे। बट इसके पीछे का जो मेन दिमाग होता है ना, वो इनकी माँ का होता है, क्योंकि उनके पास भी बलून होते हैं और वो कहीं दूर खड़े होकर वो देखते रहते हैं कि बच्चे किस पे एकदम मतलब पकड़े हुए हैं कि ले लो ले लो ले लो, गिड़गिड़ाने लगते हैं। मेरा बर्थडे है, मैंने खाया नहीं है कई दिनों से, सुबह से, मतलब इस तरीके के वो जो है बातें बोलते हैं। तो हर कोई खरीद लेता है, बट ये गलत तरीका है अपने चीज़ों को बेचने का, या फिर कह सकते हो खुद मेहनत ना करके छोटे छोटे बच्चों से बिकवाने का गुब्बारे। तो 4 बच्चे तो ठीक थे, लेकिन उसके बाद मैंने क्या देखा कि वो अपने बलून 2 बच्चों को दे के उसको फिर मेरे मतलब बेच रही थी मेरी तरफ। मैंने तुरंत रिजेक्ट कर दिया, मैंने कहा मैं किसी का बलून नहीं खरीदूँगी, सब लोग चलो इधर से। और मैंने नहीं, मैंने उनसे बलून नहीं खरीदा। सो आप लोग को क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? मतलब क्या है यार, आपके शरीर में ताकत है, आप कर सकते हो, तो बच्चों के थ्रू आप जो है पैसा कमा रहे हो कि बच्चे गिड़गिड़ाने लगते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं सुबह से खाया, तो वो बहुत बुरा लगता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप ले भी रहे हो तो वो कॉर्नर में खड़ी हो कि वो आपको देखती हैं कि कौन ऐसा इंसान मिल गया है जो ले रहा है, तो सबको लाइन से भेजती हैं कि 4 तुम ले लो, 2 तुम जाके बिकवा दो, सब दे दो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग मुझे कतई पसंद नहीं आते। सो गाइस, मैंने डेकोरेशन का सामान भी ले लिया है। सो गाइस, रात के हो रहे हैं 10:44 और डॉक्टर साहब अपना मेडिकल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं। सो मैंने सोचा कि जो सामान मैं लेके आई हूँ, मैं जो सामान लाई हूँ उसको ले जाकर मैं धीरे से दूसरे वाले रूम में रख दूँ और गुब्बारे वगैरह फुला दूँ। तो इसके लिए मैं जा रही हूँ बेसमेंट में, क्योंकि गाड़ी के डिक्की में सारा सामान है, तो मैं निकालूँगी और ऊपर लेके जाऊँगी। कैसे लेके जाऊँगी? सो गाइस, मैंने सामान ले लिया है, किसी तरीके से फंसा वसा लिया है, क्योंकि कैमरे में कैप्चर भी तो करना है और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई तो मैं सीढ़ियों से थी, लेकिन जाऊंगी मैं लिफ्ट से, तो मैं लिफ्ट दबा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने फील कर लिया है, अभी आने वाला है, क्योंकि सीढ़ियों से आना जाना अच्छा लगता है, बट अभी रात खट 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 करके आवाज़ आ रही थी, दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। आप धीरे से भी आते हो या धीरे से भी बात करते हो तो बहुत ज़्यादा ये आवाज़ आती है। हमारे लिफ्ट आगे, ये देखिए,
आ गई पूजा। हमारे पड़ोसी सो गए हैं, गेट खोल लेती हूँ और गुब्बारे फुलाते समय मिलती हूँ, क्योंकि एक हाथ में कैमरा एक हाथ में सामान तो मैं दरवाज़ा कैसे खोलूँगी। तो मैं अंदर जाती हूँ। सो गाइस, बलून सारे फूल चुके हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। डॉक्टर सब अपना काम करके सो भी गए हैं। एक बार मैं उस रूम में भी चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। बट बलून इतने ज़्यादा फूट रहे थे, मैं खुद भी डर जा रही थी। और मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो अंदेशा हो ही जाता है, मेरी मेहनत खराब हो गई। बट वो उठे नहीं हैं, और चलिए एक बार देख लेते हैं। तो वो तो सो रहे हैं, और हमने केवल इतने सारे बलून ही जो है फुलाए हैं, क्योंकि उसमें भी एक दो बलून फूट जा रहे थे तो डर लग जा रहा था। इसलिए मैंने सोचा अभी के लिए तो इतना ही, क्योंकि रात भी है। सो गाइस, दो मिनट हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी ये क्या लिखा है, परमेश्वर। चलिए परमेश्वर लिखा है। हाँ चलिए, कितने सारे तो ब्लास्ट हो गए। आई आई बैठी 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 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर हस्बैंड। हाँ कट करिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हो गया हो गया। फुल मॉइस्चराइजेशन। तो हमारे बर्थडे बॉय का केक कट गया और थैंक यू, सब लोग चले भी गए, बहुत अच्छा लगा। और मेरा जो अभी के लिए जो गिफ्ट है वो आपके लिए ये है। थैंक यू। क्योंकि डॉक्टर साहब को फ्लावर बहुत पसंद है, इसलिए हमको वाकई बहुत पसंद है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बुके देती हूँ। और आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा पूरा जो है मैनेजमेंट, पूरा जो सिस्टम तुमने बना रखा था, वो बहुत सारी चीज़ों का तो मुझको पता भी नहीं था। मैं तो अपना जो है मोबाइल देखते देखते सो गया था, फिर अचानक से जो है हल्ला होने लगा तो देखा जो है राज पापा दा ढाबा, किरण और अनिका और स्टाइल ऑफ स्त्री सब एक साथ जो है धूम मचा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और इन लोगों ने मेरा दिन ही बना दिया। थैंक यू गाइस, थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोस्तों ने भी बहुत साथ दिया। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन।